देखिए आज हम मेला क्षेत्र में जा रहे हैं, सभी तैरा खाने इकट्ठे जा रहे हैं और सभी का एक ही कहना है कि हमारे काफी लाखों की संख्या में संत आते हैं, चाहे वो जितने भी अखाड़े हैं, सब अखाड़ों के संत लाखों की संख्या में है। सबको जितनी जमीन उनको चाहिए उतनी जमीन उनको मिले, यही हमारा प्रयास है। सबसे पहले अखाड़ों को जमीन बटेगी, उसके बाद बाकी जो NGO है, बाकी संस्थाएं, उनको बाद में जमीन मिले। सबसे पहले अखाड़ों के जो संत महात्मा जो नागा सन्यासी आएंगे उनको जमीन मिलना। उधर दूसरी तरफ से जो है केशवाई शब्द और साई स्नान को नाम बदल के अमृत स्नान किया गया और मेला छावनी प्रवेश नाम दिया गया, इस तरह से देख नहीं, ये कहना गलत होगा। दो तीन लोगों के करने से कोई कार्य नहीं होता। आप देखते जब भी आप कोई काम करना, आप कोई कार्य करते हैं तो आपके विरोधी आपके विरोध में कोई कार्य करते हैं। हम नौ अखाड़े हैं, नौ अखाड़ों ने एक प्रस्ताव पारित किया है, उसमें ये किया राजसीय स्नान और उसमें हमने ये लिखा छावनी प्रवेश, वही नाम होगा। जितने हमारे महामंडलेश्वर है लाखों की संख्या में है, हजारों की संख्या में है, सबने कार्ड पे वही लिखा है जो हमने निर्णय दिया हुआ। आप लोग ने गैर सनातनी लोगों के मेले में आने की रोक की मांग करी थी और जो एमएलसी सुरेंद्र, आपने देखा होगा पूरे भारत में एक ट्रेंड सा बन गया है। जितने भी हम सनातनी, जितने हिंदू साधु संत है, जो ब्राह्मण है, जितने ठाकुर है, जो भी जाति है, उनको कैसे धर्म उनका भ्रष्ट किया जाए। तो हमारे कट्टरपंथी कुछ ऐसे लोग हैं, उनकी मानसिकता ऐसी है जो हमारे धर्म, हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम अपना धर्म भ्रष्ट न होने दें, इसीलिए हमारा प्रयास है मेला क्षेत्र में किसी गैर हिंदू की दुकान ना हो, वो दुकान परचून की ना हो, वो दुकान जूस की ना हो, उनको कोई टी स्टाल नहीं मिले, उनको कोई ढाबा नहीं मिले, तभी जाकर के हम अपने धर्म को बचा सकते हैं। और ये जो हमारी डिमांड है कोई विरोध नहीं है, ये अपना धर्म बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए हमने ये गुरु जी आज 3 बजे मीटिंग है। इस मीटिंग में उन जमीन को आवंटन की बात थी और आज से इसका आवंटन शुरू होना था अखाड़ों के लिए, लेकिन आज 3 बजे मीटिंग रखी गई है, क्या होगा इस मीटिंग में? नहीं देखिए, मीटिंग जो रखी हुई है वहाँ जा रहे हैं, मेला क्षेत्र में जा रहे हैं, मेला क्षेत्र में वहाँ पे कहाँ जमीन है, कहाँ काक चौक बनेगा, कहाँ काली सड़क बनेगी, क्योंकि यहाँ एक ही चिन्हित जमीन ही होती है। आज यहाँ है, अगले मेले में वहाँ मिलेगी। ये गंगा जी की धारा के ऊपर है, गंगा जी ने जैसे धारा जो रखी हुई है जो हमें मिलेगी उसी के लिए हमें जाना। स्नान में क्रमबद्ध तरीके की क्या बात है, उसका क्या बात नहीं है? हमने ये कहा जो ना अखाड़े को पहला स्नान मिले वो इसलिए मिले कि जो नाकाड़े की संख्या बहुत ज्यादा है, उनके साधु जो है बाद में दंगा ज्यादा करते हैं, वो दंगा न हो, दंगा प्रसाद न हो, उनको पहले स्नान कर टाइम दिया जाए, सबसे पहले वो स्नान करेंगे, उससे बाकी छोटे अखाड़े उनके बाद स्नान करें, हमने कहा है। उसमें सबकी सुरक्षा, हमारी भी सुरक्षा, उनकी भी सुरक्षा, प्रशासन की भी सुरक्षा है, सबकी सुरक्षा। कहा जा रहा है कि मानेवाड़ी पहले जो ऐसा है कि अखाड़ा परिषद की बैठक में, अखाड़ों की बैठक में अलग अलग अखाड़ों का सबकी राय बात लिया जाएगा और उसके बाद कोई निर्णय लिया जा सकता है। ये अखाड़े और अखाड़ा परिषद के तमाम लोगों का आपस में विचार विमर्श करने के बाद कोई निर्णय लिया जाता है। इस तरीके से मतलब है कि आपस में तमाम संवाद चल रहा है, विचार भी चल रहा है। और कल आपको पता है छठ है, तो कल फिर छठ को भंडारा यही है, फिर मिलेंगे आपसे। नहीं, आज का उद्देश्य, आज का जो कार्यक्रम, आज जो इकट्ठा हुए हैं, मेन क्या है कि आज महारानी गंगा के चरणों में जगह देखने की दिक्कत थी, मेला अधिकारी अधिकारियों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से जमीन दिखाने का निर्णय था, 11 बजे का समय था। अगर प्रधानमंत्री भी लगभग दिसंबर में आने की संभावना फिट हो चुकी है, वो सब भी तमाम तैयारियां चल रही है।
इस तरीके से मेला अधिकारी ने 3 बजे का समय दिया हुआ है, हम लोग भी समय का वही चलने का मेला कार्यालय में साहेब से वार्तालाप करके सभी लोग जमीन का निरीक्षण करेंगे और सभी साधु संत जो गंगा किनारे यहाँ से पुल पार करेंगे झोसी के रास्ते से भूमखंड पे पहुंचेंगे। नमः पार्वती। गुरु जी आज 3 बजे एक महत्वपूर्ण मीटिंग है, आज 3 बजे एक महत्वपूर्ण मीटिंग है संत समाज और मेला के साथ, मेला अधिकारियों के साथ। इस मीटिंग में क्या एजेंडा होगा और क्या निर्णय की संभावना है? ऐसा की पहली बात है, मात्र है जमीन अखाड़ों को दिखाई जाएगी। अखाड़ों को निर्णय है की जमीन के लिए प्राचीन परंपरा है कि अखाड़ों के लिए जमीन दिखाई जाती है। अखाड़े जमीन देखने के बाद आपस में फिर अधिकारी से, मेला अधिकारी से, अब मेला अधिकारी के द्वारा कार्यकर्ते जो लोग हैं उनसे वार्तालाप करके जमीन कटती है, कब जमीन को तैयार करके और तमाम प्लाटिंग की जाती है। तो अखाड़ा परिषद के आपस में राय बात, प्रशासन की राय बात से भूमखंड पे मुआना निरीक्षण होगा, जिसको जमीन कुंभ मेला मेला की जमीन को निरीक्षण कराई जाएगा। इस बार भी कुंभ मेले में शाही स्नान और